नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथरिया। आप देख रहे हैं बाई टी मीडिया। मैं हूं इस समय आलू मंडी शासन को फरुखाबाद में। यहां पे एक सुपर आलू है, देखो एकदम बढ़िया आलू इस टाइम पे, मतलब बड़ा कलर वलर का अच्छा है और साइज वाइज भी बढ़िया है। एक गाड़ी दी है, शायद कट भी दी थी, चेचे घुंगिया है सब। ये हमारे साथ हैं विश्राम सिंह जी। आज आमदनी तो कम लग रही है काफ़ी। आमदनी ग्यारह बारह आज 15 बोल नहीं हो आज आमदनी आमदनी अब घटती चली जाएगी। मेरे का इलेक्शन के बाद फिर आमदनी ऐसे ही इक्का दुक्का ट्रालियाँ आएंगी। इलेक्शन तक जितनी आमदनी आ रही है, क्योंकि फिर 3-4 दिन का गैप हो जाएगा और ये सिस्टम भी टूट जाएगा। फिर धीरे धीरे व्यापारी कोल्ड की तरफ मूव हो जाएगा। हाँ भाई, तो व्यापारी कोल्ड की तरफ मूव हो जाएगा कि वो यहाँ पे ज़्यादा रहेगा नहीं आलू। तो आज कैसे बाजार की क्या स्थिति है आज सुपर आलू? हाँ हाँ, ये देखो ये जो तुल्ला है ढेर, ये आलू है देखो, बहुत बढ़िया आलू है ये देखो बहुत बढ़िया कलर है इस टाइप में। देखो ये बिका है 18.5 रुपया कुंतल, मतलब 1850 रुपया कुंतल। और ये वाली जो हल्की वाली बिके कि नहीं बिके? ये तो ना बिको नहीं, तो कटबीर में जाए ना 900-1000 रुपये के आसपास तो कटबीर बिक रही है। हाँ, तो इस रेट में तो बिकीजिए कम से कम। और आलू कैसे कैसे बिके? ये तो मतलब सुपर आलू के रेट हुई है। सोलह सौ आलू ठीक दिख रहे हो वो। ये देखो थोड़े हल्के चेचक बेचक वाले हैं, 1600 रुपया। आप कहा था बिल्कुल दादा? 1851। कहाँ से हैं? हुसैनपुर नौखंडा। अच्छा, ये फतेहगढ़ के पास है? फतेहगढ़ के। आलू बहुत बढ़िया बनाए रखे हैं आप। कितने दिन को लगो है? कितने दिन को लगो? अरे लगा तो फरवरी को। फरवरी को लगो, लेकिन बहुत बढ़िया मेंटेन है, बहुत बढ़िया कलर, बहुत बढ़िया मेंटेन बनो रहो। तो बाजार कहाँ से कहाँ तक समझे जाए आज आमतौर पर? यहाँ देखा यहाँ कहा? हाँ, आमतौर पर बाजार कहाँ कैसे? 16-17 में ज़्यादा बिके, और 18 और 1850 जो है बहुत बढ़िया वाले, बहुत बढ़िया वाले। चलिए ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन। ये यहाँ पे देखो एक हल्का आलू भी है और एक पीछे थोड़ा मोटा है, ठीक ठाक है। और ये आलू आरती हैं सत्येंद्र कुमार गुप्ता पतौजा वाले, और अपना क्या नाम है? प्रदीप कुमार जी का ये। और आज आमदनी कैसी है आज? आज ना ही 15 मोटर है। हाँ, आज 10 मोटर के आसपास आमदनी लग रही है। प्रेशर ना ही पे आलू तो बिक ही गए सब। आलू कोल्डर में बिक रहे हैं बहुत तेज, कोल्ड में बिक रहे हैं। कल राजपूत में बिकोएगा 11,000। अरे हम तो राजपूत में गए थे, 3,000 पे कटा। अरे पूरे मतलब बरामदा बनगी बनगी कटी, इतनी बनगी तो कभी सीजन में नहीं देखने मिली, पूरी उम्र में नहीं देखी। मतलब भाई तो इतनी मानगी सीजन में कभी, जैसे जो जुलाई अगस्त सितंबर में जो बिक्री चलती है कोल्डो में 3,000 कच्चे में। हाँ, कल। अच्छा, परसों में जो 2,500। अच्छा, क्या था बेचे कल आपने? आलू हमने बेचे थे 700 से लेके पीडी कोल्ड में ना, पीडी कोल्ड 700 से लेके 771 रुपया तक। अच्छा, 700 से लेके 771 रुपया पैकेट। 300 कट्टा आलू हमने बेचो 551 रुपये। ज्यादा हल्के बिल्कुल ऐसा समझ लो तुम कटबीज से भी कटबीज टाइप के। तो बढ़िया आलू मतलब 771 रुपया, 700 से 750 बाजार मजबूत मानो। अच्छा, और जो गीली क्वालिटी जो सीधी लोडिंग वाले आलू है जी, वो 750 से 81 रुपया तक बाजार, 781 रुपया पैकेट विदाउट कोल्ड वाले। उसमें अटबीज कटबीज लेथन कुछ नहीं, पीआईपी आलू बिका। अच्छा, मतलब विदाउट कोल्ड वाले के ना। जानगंज में तो, जानगंज में तो कोल्ड वाला व्यापारी को देना पड़ता है। 71 तक हमने बेचे। हाँ, 771 रुपये ही किसान के दाम है। 2-3 लाटे बेचे किसान के दाम है। 750 में कई लाटे बेचे, 750 में कई लाटे, मतलब आमतौर पे भाव जो रहे हैं वो 750। वो 700 से 750 के बीच में आप बाजार मानो, और जो क्वालिटी अच्छी है वो 750 से 781।
कल पीढ़ी में भी ऐसे ही बिके, हल्के आलू 500 रुपए भी बिके, 500 रुपए पैकेट भी बिके, जो ज्यादा भाई कट भी टाइप के जो है, किसी किसी में तो ऐसा निकलता है हरा ही हरा है टोटल या कोई चेचक घुंघिया वाला है बहुत ऐसे 400-500 रुपए 241 की 1 लाख बेची और 86 की 1 लाख बेची जी, ये 551। अच्छा भाई ज्यादा हल्के वाले 551 और 551 और बाकी फिर 700 के सब ऊपर एवरेज में वहाँ पे भी वही 700-750 रुपए के जो बढ़िया आलू थे और उसी में एक सुपर थे 800 के ऊपर कुछ 10-11 रुपए साइज बिक गए। नहीं 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 800 तो थे 800 थे और एक ट्राली कोई शायद 805-10-11 कुछ बिक गई अभी याद नहीं है। लोडिंग वाले होंगे बिल्कुल सुपर आए। हाँ हाँ वो डायरेक्ट लोडिंग के लिए वाले लोगों ने हमारे अभी कतर क्या थी कि जिसमें कोई छांटबीन नहीं करना पड़ेगा डायरेक्ट लोड हो जाएगा वो। आज बाजार में कैसी स्थिति है यहाँ पे मंडी में? हाईलैंड भी गए थे कल? कोई हाईलैंड बेचे, हाईलैंड बढ़िया नहीं थे। अच्छा जैसे क्वालिटी बढ़िया नहीं थी, 8.5 से 9 फेट बेचे। अच्छा लेकिन अच्छा आलू नहीं था। हाँ हाईलैंड में भी 821 बेची उसमें घूम गया। अच्छा पैकेट अपने तो अच्छा पैकेट तो वहाँ आप जानगंज में भी 53 किलो ही पैकेट 53 किलो ही वजन देना पड़ता है ना, गीले पैकेट का मतलब कोल्ड से निकलेगा तुरंत डायरेक्ट वजन होगा, इसके बाद काटो या कुछ भी करो जो करना है वो करो। तो व्यापारी ब्रोकर हाँ हाँ तो चाहे अपना कोई सीधा लदाए या कटवाए या जो भी करना है, वैसे अपने यहाँ से गीला मतलब सीधा कम लोड होता है। अपनी क्वालिटी नहीं उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं, इस साल हर साल से ज़्यादा क्वालिटी खराब है। वही जल्दबाजी में रखे गए ना आलू बना गया सीधा खुदा सीधा लग के कम बना। और एक तो अपने यहाँ की क्वालिटी खराब हो जाती है उसमें कि गुल्ला निकालता नहीं आदमी, तो खाली छर्री निकाल के छट्टा तो उसमें मोटा भी होता है और वो गुल्ला भी होता है, तो वो मतलब छर्री निकालने के बाद भी कट जाता है। 800 रुपए में वही बिके जिनमें साइज दिख रहा है, जिनमें मोटा आलू नहीं है वो किसी कारण निकला नहीं है या उसमें जो भी है। और घुंघिया निकली भी ज्यादा घुंघिया तो थी जी आज 1500 रुपया गुल्ला टाइप है, गुल्ला टाइप है ये देखो। अच्छा दूसरी फसल का है? अच्छा दूसरी फसल का है ये आलू 1500 रुपया कुंतल है, 1500 रुपया कुंतल। और इधर देखो ये ट्राली एक तुल ही बड़ा ये बढ़िया लग रही है, दोनों एक ही माल है ट्राली। अच्छा अच्छा चेचक है ये ट्राली। अच्छा ये निकली काफी चेचक, ये देखो तुल रही है ये ट्राली यही है, ये 1741 तो आज बाजार कहाँ से कैसे कैसे रहे आज? यार ये मान लो 17 से लेके और तुम्हारे 1861 में है, मतलब बढ़िया सुपर वाले जो है वो 1850 है, लेकिन वो बिके सुपर है जो देखो क्या हाल है। हाँ हाँ इसमें तो वो देख रहे ना ये निकला हुआ है, नहीं इनको आलू है। अच्छा कहाँ को? जोधपुर को है। अच्छा लक्ष्मीचंद प्रधान जी नहीं तुम्हारे कहाँ? तो प्रधान जी हैं कहाँ? कहाँ गए प्रधान जी? भैया अच्छा भैया हैं इनके। नमस्ते भैया, फायदा बिके आज इनसे पूछो मंडी की हकीकत और इस क्वालिटी आलू की क्वालिटी पूछो, ये कह रहे दोनों डाउन बिको, हमने ये दोनों बहुत बढ़िया बिको नहीं बच्चे तक ये जगह है तो 1850 बिके हैं, लेकिन उनमें मतलब एक नंबर के आलू, एक नंबर के आलू जिसमें जो ऐसे चेचक वाले एक होना है जैसे जाओ जाओ है जो इधर देखो हमने देखी देख अरे दिख रही है दिख रही है काफी निकली है चेचक वाले 1850 में जो बिके हुए चेचक वाले ना चेचक कोई नहीं अच्छा दोनों मालूम दुकान कोई कमजोर बेचने वाले आदमी नहीं सुपर वाले। तो अब अपने इन आलू है का गाँव के? अच्छा हमारे किसान भी लास्ट है समझ लो। अच्छा एक कच्चा लगो अब ले 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 हमारे जानगंज में नहीं बचे मैं कुछ में। अच्छा अब ऐसे ही कोई अब कोल्ड में बिक्री है दवा कोल्ड ही में है। हाँ कोल्ड में तो बिक्री अब होगी अब मेरी क्या अब 9-10 तारीख तक हमारे यहाँ 2000 कटा कल 1000 का। अच्छा तो यहाँ पे जो है 9-10 तक बिक्री होगी और 9-10 नहीं 8 तक केवल 9 को बंद है
अभी यहाँ तो ये किलेटी नहीं होती, नौको बंद होगी, उधर की बंद होगी, नौको बंद है। अच्छा तो क्या आज 6 तारीख हो गई, तीन दिन, तीन 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 दिन और रहिए गाड़ी, दो दिन केवल, दो दिन, कल परसों खुलेगी गाड़ी, नौको बंद है, नौको बंद है। अब हो सकता है कोई दो चार चाली आ जाए, सुने प्रशासन घुसन दे, वही तो वही तो होता है, वो भी एक दिन पहले इसीलिए बंद करते हैं कि वो अगर बोले कि 10 तारीख को बंद तो लोग 10 को लाके गेट पर खड़ी कर देंगे ट्राली, हाँ तो एक दिन वो पहले ही कहने लगते हैं कि बंद बंद, क्यों नहीं तो आदमी मानता नहीं है, वो गेट पर खड़ी कर देता है, फिर ये सोचा जाता है कि भैया किसान का माल है ये खराब होगा तो चलो इसको बेच लेने दो, मानते नहीं लोग। आज हाइलैंड वायलैंड नहीं था कोई, अच्छा हाँ 2000 के आसपास, और अब बहुत बड़ी आलू बचे भी नहीं है, नहीं, नहीं। अब थोड़े से हल्के हल्के ही, और हल्के नहीं थे तो वो हल्के हो गए, हल्के हो गए। चलिए ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आलू में देखिए आप पकड़ो, आलू को गर्म पकाइए। तो कब का फरवरी के लगा होगा ये लूजिंग जो थोड़ी हो गई है, फरवरी को होगा, अब ये कहीं से सफाई हो जाएगी, ये वो तो एक आलू हो तो सफाई हो जाएगी, आलू निकल रहा तक सफाई करी जाए, नहीं भाई उधर एक आलू हो तो सफाई हो जाएगी, चेचक वाली सफाई नहीं हो पाती है, कि किसी में एक दाग है और किसी में दो दाग है और किसी में तीन दाग है, तो उसमें ये सोचता है कौन सा वाला निकाले इसमें से, बात तो ये होती है। अब देखिए ये जैसे चटका वाला कोई एक या एक आध होता है वो निकल जाता है, वो तो वो मान लो चटका है तो चटका निकल जाएगा। ये प्रधान जी जैसे देखो कहाँ गए थे, हैं बस यही खड़े थे, अच्छा हम बुलाए रहे थे कि कितना भी मटेरियल खराब हो उसको अच्छा लगता है, नहीं तो देखो भैया अपना लड़का सबको अच्छा लगता है, सीधी सी बात है भाई, तो अपना लड़का सबको अच्छा लगता है, आरती कभी नहीं बोलता है कि आलू जो बिकता है तो वो कभी नहीं बोलता मेरा आलू खराब है, बेचने वाले को यही बोलता देखो एक नंबर क्वालिटी है, एक नंबर क्वालिटी है। तो भाई सारे अपना लड़का किसी नहीं खराब रखता है, खरीदते नहीं तो वो तो देखो धंधा तो ये है कि उसको कुछ उसको मिलेगा तो गाँव आलू और बचे कि नहीं बचे, लास्ट है दम खत्म, अपने एरिया में तो वैसे भी नहीं रहे एकदम। चलो ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ रहे।